guys, welcome to White Collar Hustle. The topic for today is vitamins. So we're going to start a new series of nutrition, जिसमें हम बात करेंगे different vitamins की, different minerals की, different diet की, ताकि उन चीजों खाने से हमारी body पे क्या अच्छा effect पड़ता है, and how to do bodybuilding using natural sources without using any drugs. Topic for today will be vitamin C in particular. Daily life vitamins are very important and essential. जैसे कि vitamins की वजह से हमारे body में बहुत सारे important roles every day होते हैं. Like hundreds of roles are performed in the body every day because of vitamins. Vitamins can be basically classified into water soluble and fat soluble. अब वाटर सॉल्युबल का मतलब कि वो वाटर की वजह से बॉडी में डिसॉल्व होते हैं एंड बॉडी उसको यूज करती है. फिर उसके अंदर बी और सी आता है. सो बेसिकली बी के अंदर बी कॉम्प्लेक्स के सारे विटामिन्स आएंगे, जैसे कि B1, B2, B3, B5, B6, B12 और फॉलिक एसिड भी आएगा. और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट वाटर सॉल्युबल विटामिन्स इज दैट कि ये विटामिन्स बी कॉम्प्लेक्स और सी आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी. तो ये हमें एवरी डे अपनी बॉडी में लेने पड़ेंगे ताकि हमारी बॉडी उन फंक्शंस को करती रहे जिनके लिए बी और सी की जरूरत पड़ती है. तो इस वीडियो में हम विटामिन सी के बारे में बात करेंगे. तो जस्ट एक थोड़ा ओवरव्यू हो जाए, इसलिए आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद ऑल ऑफ देम. तो फैट्स और विटामिन्स पाएंगे ए, बी, ई और के. तो मतलब कि ये बॉडी में विटामिन्स स्टोर हो जाते हैं बाय यूजिंग द फैट्स जो हम खाना खाते हैं, और उसके जो फैट्स होते हैं, फैट्स और ऑयल्स की वजह से ये विटामिन्स बॉडी में स्टोर हो जाते हैं. दे आर डिसॉल्व इनटू द बॉडी थ्रू फैट्स, तभी इनको हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं. सो आज हम बात करेंगे विटामिन सी की, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं. सो अभी हम सबसे पहले देखेंगे जो उसके सारे फूड सोर्सेस हैं विटामिन सी के. जब भी विटामिन सी के बारे में बात करें तो हमारे दिमाग में क्या आता है? आंवला, इंडियन गूसबेरी. सो दिस इज एन आंवला. तो एक 100 ग्राम ऑफ आंवला के अंदर 600 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी होता है. तो बेसिकली जो विटामिन सी की हमारी बॉडी में जरूरत है फॉर एन एडल्ट, इट इज फ्रॉम 75 मिलीग्राम टू 90 मिलीग्राम एवरी डे. 100 ग्राम आंवला के अंदर 600 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी है. सो आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं सिर्फ 15 ग्राम ऑफ आंवला खाऊं फॉर वन डे, आई गेट 90 ग्राम ऑफ विटामिन सी. तो मेरा डेली जो रिक्वायरमेंट है एक विटामिन सी का, एक 15 ग्राम का आंवला वो पूरी कर सकता है. तो फॉर नाउ द फूड सोर्सेस ऑफ विटामिन सी के अंदर वी नो द सिट्रस फ्रूट्स, जो खट्टे होते हैं उसके अंदर विटामिन सी होता है, जैसे कि लेमन, स्ट्रॉबेरीज और ऑरेंजेस, ग्रेप्स, पाइनएप्पल. तो इन सब के अंदर विटामिन सी भरपूर भरा हुआ है. और कीवी भी आप खा सकते हो, कीवी इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी. और अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में स्पिनच, ब्रोकली, बेल पेपर्स, इसके अंदर विटामिन सी बहुत होता है. टोमेटोज एंड पोटेटोज ऑल्सो हैव विटामिन सी. मैंने भी जब देखा था कि पोटेटो के अंदर विटामिन सी होता है, आई वाज सरप्राइज्ड. तो एक 100 ग्राम ऑफ पोटेटो के अंदर अराउंड 20 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी होता है. बट लेकिन हमारी इंडियन कुकिंग के हिसाब से हम उसे जैसे बहुत ज्यादा पका देते हैं, तो उसके बाद कितना रहता होगा जो हमारी बॉडी में आएगा, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. बट एक 100 ग्राम पोटेटो के अंदर भी 20 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी होता है. सो इफ यू ईटिंग बॉइल्ड पोटेटोज तो उसके अंदर आपको विटामिन सी मिलेगा. नाउ लेट्स गो फर्दर एंड सी कि जो विटामिन सी की यूजेस है हमारी बॉडी में वो क्या है. सो बेसिकली जो फंक्शंस विटामिन सी हमारी बॉडी में करता है वो यहाँ मैंने सारे लिस्ट किए हुए हैं. तो जो पहला फंक्शन आप सबको पता होगा, इट इज द एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ऑफ विटामिन सी. तो अगर आप सुबह उठ के खाली पेट एक आंवला खाते हो एवरी डे खाली पेट, तो इट्स अ वेरी गुड एंटी ऑक्सीडेंट फॉर योर बॉडी.
So basically antioxidant ka matlab aapko pata hoga ki to reduce or to stop oxidation. So jo hamari body pe oxidation hoti hai, jab hamari body mein khana jata hai, hamari body usko pacha rahi hoti hai hamare stomach ke andar, to oxidation bhi hoti hai and kuch free radicals hamari body ke andar produce hote hai because of that oxidation process. To wo unse hame body mein toxins aate hain. And we have to make our body free of toxins and antioxidize karna padta hai. So the best type to have an amla or to have vitamin C will be in the morning. Jab aap subah subah uthte ho, pani peene ke saath, you can have the amla. So pani peene se pehle aap amla kha sakte ho, aapki body bilkul toxin free ho jayegi. Aapka pet bilkul saaf ho jayega. Now, the next important function of vitamin C is improving the immunity. Now this is a debatable topic, but the immune system, jo hamari body ka immune system hai, wo vitamin C use karta hai to function properly. So vitamin C ka itna bada role hai hamari body mein to boost the immunity. So wahan par bhi agar aapki body mein vitamin C ki deficiency hai ya vitamin C aap everyday puri proper amount mein nahi le rahe hai, to us wajah se aapko cold ho sakta hai, you can like feel problems jisme aapka immune system dhang se kaam nahi kar raha. So it's very very important to have vitamin C every day. To ek simple amla, ek 15 gram ka amla aapki vitamin C ki kami puri kar sakta hai. So there's no need of any other vitamin pills khane ki koi zarurat nahi hai, koi vitamin लेने की जरूरत नहीं है, गोली लेने की जरूरत नहीं है, आप वाइटामिन सी आंवला से पूरा कर सकते हो. उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज कोलेजन. इट मेक्स कोलेजन. कोलेजन मैं आपको बता दूं जिनको नहीं पता कि कोलेजन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी. इट्स प्रेजेंट एवरीवेयर थ्रू द बॉडी. लाइक इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू जो कि हमारी स्किन के टिश्यूज को कनेक्ट करता है, हमारे टेंडन्स, हमारे लिगामेंट्स, हर जगह ये कोलेजन प्रेजेंट है. तो कोलेजन की जो सिंथेसिस होती है, जो प्रोडक्शन होती है, उसमें वाइटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव वाइटामिन सी, क्योंकि ये वाइटामिन सी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता. अगर हम ज़्यादा वाइटामिन सी लेंगे तो वो बॉडी में एक्सक्रीट हो जाएगा, वो स्टोर नहीं होगा. जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन है जैसे ए, डी, ई और के, वो सारे वाइटामिन बॉडी में स्टोर रहते हैं, बट बी कॉम्प्लेक्स और सी वाइटामिन बॉडी में स्टोर नहीं रहते. तो ये आपको हर रोज लेने पड़ेंगे. और अब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है वाइटामिन सी का, हेल्प्स द बॉडी टू एब्जॉर्ब आयरन. इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं. जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो कि मेरे में आयरन की कमी है, या अगर आपको आयरन की पिल्स डॉक्टर देता है तो उसके साथ एक प्रिस्क्रिप्शन में ये भी लिखता है कि have it with orange juice, have iron pills with orange juice. तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो वाइटामिन सी है उसकी एब्जॉर्प्शन, सॉरी जो आयरन है बॉडी में उसकी एब्जॉर्प्शन बॉडी में इम्प्रूव हो जाएगी या तभी होगी अगर वाइटामिन सी ऑलरेडी मेरी बॉडी में प्रेजेंट है. तो सो इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब द आयरन द बॉडी यू नीड टू हैव वाइटामिन सी ऑलरेडी प्रेजेंट in your body. Next, it aids in wound healing. So now this function you can relate with the makes collagen wala function, kyunki jab wound ki healing hoti hai to uske andar bhi aapke tissues hain, jo tissues create honge, cells nahi create honge, tabhi wound ki healing hogi aur uske andar collagen ka bahut bada role hota hai. So agar aapki body mein collagen acche tarike se banega to bhi आपकी वुंड की हीलिंग जल्दी होगी. और इसलिए आपको विटामिन सी बहुत बहुत जरूरी है. सो गाइस, दिस इज इट फॉर द विटामिन सी का वीडियो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून. सो विल बी पोस्टिंग वीडियोस ऑन न्यूट्रिशन, ऑन डिफरेंट जिम एक्सरसाइजेस, हाउ टू बिल्ड बॉडी, हाउ टू डू बॉडी बिल्डिंग थ्रू नेचुरल वेज. एंड दिस चैनल इज only for the people who are doing white collar jobs. I'm not a professional nutritionist or I'm not a professional in bodybuilding ke terms mein, but
I'm a regular guy who's a software engineer who is working out every day after office and jo apna nutrition ka dhyan rakhta hai, jo apna diet ka dhyan rakhta hai aur apna bodybuilding ka ke liye bahut zyada passionate hai for my body. So this is the way to motivate you guys to go to the gym or go to any fitness center. So this is the way how I want to motivate you guys to go to the gym and take care of your health. So I'll see you in the next video soon. If you like this video, please do not forget to subscribe to my channel, White Collar Muscle.